समाज को तो हम जोड़ने का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तोड़ने का काम करते हैं। हम समाज में सद्भावना फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी समाज में घृणा और द्वेष फैलाते हैं। सोनिया गांधी जी ने हमें आदेश दिया था कि हम आए उत्तर पूर्वी राज्यों में NRC के बारे में और CAB के बारे में हमारे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हमारे साथी से उनसे विचार उनके विचार हम उनसे बात करें और बाद में कांग्रेस पार्टी को अवगत कराएं कि अलग अलग जगहों में क्या राय है। आज हम यहाँ डिटेंशन सेंटर आए हैं। इस डिटेंशन सेंटर में 48 ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भारतीय नागरिक मानते हैं पर वो फॉरेनर डिक्लेयर किए गए हैं। 17 ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं पर वो नहीं हो पाया, और 6 ऐसे लोग हैं जो म्यांमार से आए हैं। कानून कहता है कि अगर 3 साल आप डिटेंशन सेंटर में हैं तो आप श्योरिटी दे सकते हैं 2 लाख का और आपको बेल मिलेगा। आज बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोगों ने यहाँ एक औरत को देखा है, करीमगंज से है, वो 10 साल से डिटेंशन सेंटर में, और उनकी एक बेटी है जो 9.5 साल यहाँ जेल उन्होंने काटा है। क्या भविष्य? तो हम सोचेंगे, हम बातचीत करेंगे रिपुन बोरा जी से, सुष्मिता देव जी से, यहाँ के MLA से, कि जो लोग 3 साल यहाँ रहे हैं डिटेंशन सेंटर में उनको हम कैसे राहत दें। कानून के मुताबिक, कानून कहता है कि 3 साल बाद अगर 2 लाख श्योरिटी मिलेगा तो उनको बेल मिल सकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये कानून का लागू नहीं होना ये हमारे समाज पर एक कलंक है। ये एक मानवता का सवाल है। कानून का सवाल बहुत महत्व रखता है पर मानवता का भी सवाल है। एक बच्ची जो 9 साल ये डिटेंशन सेंटर में हो, उनका सारा जीवन काटा है, उनका क्या भविष्य हो सकता है? तो हम ये बात करेंगे NRC के बारे में, CAB के बारे में, सबको साथ ले चलेंगे। और कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैंने कहा, समाज को जोड़ने का काम करती है। ऐसा कोई हम काम नहीं करेंगे जो विभाजन, समाज में विभाजन पैदा करे, असम में विभाजन पैदा करे। अच्छा, यहाँ के एक मंत्री ने कहा,